मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी गेटेड कॉम्प्लेक्स हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास साथ ही रिच लैंडस्केपिंग स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल स्विमिंग पूल इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। झांसी में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने IMA निजी और सरकारी डॉक्टरों की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना से झांसी में बिगड़े हालातों को काबू में लाने पर चर्चा की गई। कोरोना के बढ़ते मरीजों से अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। हाल में ही देखा जा रहा है कि ज्यादातर निजी अस्पताल वाले भी मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का भार ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की तादाद बढ़ने से वार्ड फुल हो गए हैं। ऐसे में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को 10 दिन भर्ती करने के बाद डिस्चार्ज कर घर भेजना शुरू कर दिया गया है। कोरोना से होने वाली मौतों ने भी जिले में गंभीर संकट खड़ा किया है। ऐसे में मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा भी लगातार इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अब उन्होंने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों, एंटी हेल्थ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों, निजी अस्पतालों व लेबोरेटरी के डॉक्टरों के साथ बैठक कर कोरोना की रोकथाम पर मंथन किया, जिसमें उन्होंने निजी अस्पतालों से भी आगे आकर इस महामारी में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। मैंने कहा कि जो पैथोलॉजी एसोसिएशन है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये लोग तुरंत अपनी बैठक करेंगे। इनको जो भी परमिशन शासन से दिलवानी है, मैंने 2-3 पॉइंट लिख लिए हैं कि ये ट्रूनेट मशीन खरीदना चाहते हैं, आप परमिशन दे दीजिए। ये बात हो गई, मैं लेटर लिख रहा हूँ। एंटीजन टेस्ट करने को तैयार हैं, हमको परमिशन दिला दीजिए, इन्होंने कहा। मैं अगेन शासन से परमिशन के लिए कह रहा हूँ। तो ये व्यवस्थाएँ हैं, इन लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की है और एक माहौल ऐसा बनना चाहिए कि हाँ, अस्पताल हमारे चलें। शासकीय ही नहीं, प्राइवेट सभी लोग मिलकर के हम काम करेंगे, तभी बात बनेगी। मेरा तो जनप्रतिनिधियों से, सब लोगों से आग्रह है, हमारी निगरानी समितियों के पार्षदों से आग्रह है। ज़्यादा दिक्कत झांसी सिटी की है, पूरे झांसी जिले की नहीं है, झांसी सिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसको हमको संभालना है। हमको कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ जाए। बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है। अभी हम लोग आप सब लोगों का सहयोग ले रहे हैं, शासन की नीति के तहत हम लोग काम कर भी रहे हैं, लेकिन शासन से ही परमिशन लेकर के कहीं और ज़्यादा कठोर निर्णय ना लेना पड़े। मैं इस तरफ आप सब लोगों को एक तरह से सचेत करना चाह रहा हूँ कि सभी को सहयोग करना चाहिए इसमें। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।